क्या बात है, मिलने आ रहे तुमसे? नहीं, क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? तो फिर इतना बनाओ सिंगार, बल्कि 16 सिंगार किस लिए? सारी बहनें हमेशा से ऐसी तैयार होती थी। हमारे अब्बू को बहुत पसंद है कि उनकी बेटियां तैयार होती। तभी ये करतूत हैं सारी बहनों की। क्या मतलब, ये क्या बोल रहे हैं आप? ठीक तो बोल रहा हूं। अगर तुम्हारी माँ ने तुम बहनों की तरबियत हीरोइनों की तरह ना की होती, चुटिया से बांध के रखा होता ना, तो ये करतूत ना होते तुम बहनों के। जी नहीं, हमारी अम्मी ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। क्या अच्छी तरबियत की है बता मुझे, क्या अच्छी तरबियत की है? एक बहन तेरी लड़के के साथ भाग गई, दूसरी ने घर में ही चक्कर चलवाया हुआ है, और ये सब कुछ तेरी माँ की नाक के नीचे हुआ है। हसगर, मैं आपकी बीफी हूँ, आपको जो कुछ कहना है आप मुझे कहिए, लेकिन मैं अपनी बहनों के खिलाफ और अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। और आप होते कौन है उन्हें कुछ कहने वाले? साहिर है, सर में दर्द तो होगा ना, 3 दिन से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, ना तुम टाइम पे कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो, चेहरा देखो अपना कैसे उतर गया, और मुझे लग रहा है तुम्हें तुम्हें बुखार भी हो रहा है। रुक जाओ, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। कहीं मत जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो, मेरा दिल कप रहा है। नुमान, मैं कभी तुम्हारे ताया अब्बू से नहीं मिली, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, तभी तुम सब इतना अफसरदा उनके जाने पे। लेकिन नुमान, खुद को संभालो, खुद को स्ट्रांग करो, बाबा को देखो, उनकी हालत तो तुमसे भी ज्यादा खराब है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ताया अब्बू को कभी हमने ताया नहीं समझा, हमेशा बाप की तरह समझा है। पता है, बाबा और ताया अब्बू में बहुत प्यार था, और हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे। मुझे जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, मैं सीधा उनके पास जाता था, उनसे एडवाइस लेता था। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा के साथ साथ मैं भी यतीम हो गया। अच्छा ना, बस सब्र करो और उनके लिए दुआ करो, और तुम बस थोड़ी देर सो जाओ ताकि तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाए, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे पास बैठी हुई हो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास ही, सो जाओ।